महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिन नियमों के तहत मैं यहाँ धर्मेंद्र डाटा हूँ, एपीएफ के तहत ही मेरे वेतन से सन 1976 से नियमों अनुसार कटौती हुई है, वह प्रमाणित है और मैं प्रमाणित कर भी सकता हूँ, मगर मुझे पेंशन नहीं दी जा रही है। मैं लाचार व बेबस हूँ, मैं क्या करूँ? पिछली बार भी धरने पे बैठा था, इन्होंने आश्वासन दिया आपकी कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई कब तक चलेगी? मैं जब तक जीवित रहूँ या मर जाऊँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। और आपसे पूर्ण निवेदन करता हूँ, इस जिस नवरत्न कंपनी का मैं एम्प्लॉई हूँ उसको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। मेरे बच्चे भी करते हैं, मेरे पोते भी कहते हैं पापा दादा मोदी जी सर्विस करते थे, आज भी मुझे गर्व है। मैं मोदी जी को बदनाम नहीं, इसके फर्स्ट ऑफिसर को जिस तरीके से ये मेरे को असर कहे हैं, हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग रहते हैं, अगर तुम मर गए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मानी बात उचित नहीं। और अकेले मिस्टर पाठक ने नहीं, इनके साथ में ग्रुप के साथ में ये सब कहे, और मैं ये बात मीडिया व कमिश्नर ऑफ द दूध को भी लिखित दे चुका हूँ, कृपया मेरी प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया जाए। ना मेडिकल सुविधा मिल रही है, ना पेंशन मिल रही है, मैं भिखारी सा जीवन जी रहा हूँ। मैं नहीं चाहता जिस तरह मैं जिया हूँ ओडीसी नवरत्न कंपनी की, मैं बच्चों के सामने मोहताज हूँ या उनसे बच्चे की हैसियत से देते हैं तो बहुत अच्छा है, दिल खुश होगा कि बच्चे ने दिया मुझे। लेकिन मेरे पास में मेरा खुद का पैसा कटा हुआ नहीं दे रहे हैं, ये कौन से खाते में जमा किए, इनसे पूछा, मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहे, ये उचित नहीं है। ये कह रहे हैं ईपीएस में, अगर आपका एपीएफ कटा है तो आपको ईपीएस दे दे, ईपीएस सर मैं नहीं जानता ईपीएस क्या चीज़ है, इसके क्या नियम है वो भी मुझे पता नहीं। एपीएफ के तहत मेरे वेतन से 21 वर्ष तक पैसे काटे हैं, मैं लगातार अंकलेश्वर बाई रोड अपनी गाड़ी से बाई ट्रेन से वहाँ के उच्च अधिकारियों से मिला हूँ, उनको पत्र भी दिया, उन्होंने कहा अभी आपका काम अति शीघ्र हो जाएगा। इस आश्वासन से मैं बैठा हूँ, पिछले 3 महीने पहले भी धरने व भूख हड़ताल में बैठा था, तभी मेरे को इन्होंने यही कहा कि आपका काम प्रगति पे, सब ये कब होगा मेरे जी, तब तक मैं रहूँ ना या ना रहूँ। अब मेरी तबीयत भी कुछ नाजुक रहती है, मेरे छोटे छोटे पोते हैं हमेशा मुझे याद करते हैं दादा कब आएंगे, मैं कुछ समय अनुसार गोली बिस्कुट जो भी ले जाता हूँ हंस के खाते हैं, पर मेरा इंतजार करते हैं। लेकिन ओंजी सी ने मेरे को मजबूर कर दिया है, यार 1 महीने से बैठा हूँ, पर व्यक्तिगत कभी भी आके इन्होंने नहीं पूछा कि विजय ऐसा है वैसा है कुछ भी, उल्टा धमकाया जा रहा है कि तुम मर गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपसे मैं क्या कहूँ, अरे मेरे द्वारा मेरे वोट भी
यहाँ से लिखित ये तोड़ के ले गए, वो भी पुलिस रिपोर्ट कर चुका हूँ 10 बार। मेरा बैग उसमें ओएनजीसी के प्रमाणित कागजात थे, वो भी उठा के लेके गए। महोदय आपसे पूर्ण अनुरोध है, ये मुझको मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्यासा भूखा बेसहारा, किसका इंतजार में, कब खाना आएगा नहीं आएगा, खाएंगे नहीं खाएंगे, बस आपसे प्रार्थना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ व्यक्तिगत, आपके पास समय हो तो मुझसे एक बार जरूर संपर्क करें। इसी आशा के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे निवेदन को स्वीकार करें। सत्य कह रहा हूँ, असत्य हो तो दंडनीय मैं हूँ, अपराधी मैं हूँ, और जो भी कानून मेरे को अपराध देगा वो स्वीकार करूँगा। और वास्तविकता ये है, गलती इनकी है, मोदी जी भारतन कंपनी की नहीं, एक आदमी क्लास ऑफिसर, उसको कुछ भी नहीं आता, टाइप वगैरह कुछ नहीं आता, वो आज क्लास वन ऑफिसर बना हुआ है, उनसे क्या उम्मीद रखो। एक सिक्योरिटी ऑफिसर, इसको लाठी चलाना नहीं आता, उसको यहाँ ऑफिसर बना रखा है, वो क्या रहा है, मेरे को धमका रहा है, भाग जाओ यहाँ से। महोदय आपसे प्रार्थना है, आप व्यक्तिगत एक बार मुझसे संपर्क करें तो बहुत अच्छा है। आने जाने में रोज के 70-80 किलोमीटर पड़ता है, और पीछे बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी दोस्त भी आते हैं। अब मैं लाचार हो गया हूँ, अब पैदल चल के आना पड़ेगा मेरे, और आने जाने में दिन रात एक हो जाएगी। इतना दूर पड़ता है मेरा घर, अच्छे ऑफिस, व्यक्तिगत तौर पर आदमी रिटायर होता है तो उसकी फाइल नियरेस्ट होम टाउन नियम अनुसार इनको भेजनी चाहिए, लेकिन अनियमित इन्होंने मेरी फाइल, पर्सनल फाइल अंकलेश्वर में रोकी रखी है, जबकि मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। नियम अनुसार आदमी रिटायर हो जाता है तो उसकी पर्सनल फाइल नियरेस्ट होम टाउन आनी चाहिए, जो कि उचित है, लेकिन मुझे परेशान करने हेतु ना मेरी फाइल भेजी गई, हजारों पत्र लिख दिए, व्यक्तिगत मिल के आया, सिर्फ यही कहा हम भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। मेरे पर्सनल क्लेम, मेरे प्रमोशन सारे रोके हुए हैं,